A very good morning, class first. So today this is your English literature class. So everyone open your books and open the third chapter. Chapter 3, New Friends. तो हम लोग का चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है. जिनकी कॉपी कंप्लीट हो चुकी है वो स्कूल में सबमिट कर दें जैसे कि हम लोग कॉपी चेक कर सकें. तो स्टूडेंट आज चैप्टर 3 न्यू फ्रेंड्स में हम लोग को हार्ड वर्ड्स करना है. ठीक है, सबसे पहले हम हार्ड वर्ड्स करते हैं, फिर सेकंड वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं. तो सबसे पहले हार्ड वर्ड्स टिक करिए. ड्रॉप्ड, अमेज्ड, क्लेवर, चोरस, वैग्ड एंड स्निफ्ड. देन ओपन योर सेकेंड पेज. ट्रिक्स, देन उसके बाद है हिंड, इंजॉयड, देन यहाँ पे ऊपर देखिए शुक हैंड्स. ठीक है, एक बार और देखिए. ड्रॉप, अमेज्ड, क्लेवर, चोरस, वैग्ड एंड स्निफ्ड. शुक हैंड्स, ट्रिक्स, हिंड, देन एंजॉयड. तो बच्चों ओपन योर कॉपीज. यहाँ पे क्लास डे चैप्टर 3, चैप्टर का नाम न्यू फ्रेंड. देन यहाँ हार्ड वर्ड्स करना है. ठीक है, तो यहाँ पे 10 हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं. आप जो हमने बुक में टिक लगाए हुए हैं उन्हें कॉपी में लिखना है 10 हार्ड वर्ड्स. देन उसकी हिंदी है. तो देखिए पहला क्या है. ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब होता है गिरना. ठीक है, गिरना या गिरा, ड्रॉप्ड, गिरा. अमेज्ड मतलब होता है हैरान. क्लेवर होता है चालाक. चोरस मतलब होता है साथ में. ठीक है, साथ में, टुगेदर, चोरस. वैग्ड मतलब होता है पूछ हिलाना, जैसे कुत्ता डॉगी पूछ हिलाते ना अपनी, वही वैग्ड, पूछ हिलाना. स्निफ, स्निफ मतलब किसी को मोहित करना, किसी को पिघलाना. ठीक है, पिघलाना, पिघलना या पिघलाना. ट्रिक्स मतलब होता है योजना. हिंड मतलब होता है पीछे. बच्चों यहाँ पे आई नहीं है, इसको हिंदी मत पढ़िएगा, हिंड है. ठीक है, हिंड मतलब पीछे, बैक. इंजॉयड मतलब मस्ती करना या मज़ा करना. शुक हैंड्स, हाथ मिलाना. ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं. ड्रॉप्ड मतलब होता है गिरा या गिरना. अमेज्ड मतलब होता है हैरान. क्लेवर चालाक. चोरस साथ में. वैग्ड पूछ हिलाना. स्निफ्ड पिघलना. ट्रिक्स योजना. हिंड पीछे. इंजॉयड मस्ती करना. शुक हैंड्स हाथ मिलाना. तो आप लोग इसको कॉपी में करिएगा. देन नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट.